हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंड मैप लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ट्रेजिडी, डचेस ऑफ माल्फी, जो लिखी थी जॉन वेबस्टर ने 1612 से 1613 तक, और जिसे सबसे पहली बार परफॉर्म किया गया था 1640 में। डचेस ऑफ माल्फी जॉन वेबस्टर की सबसे फेमस ट्रेजिडी है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको सराहा। तो आज हम डिस्कस करेंगे डचेस ऑफ माल्फी। तो सबसे पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और शायद आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो डिस्कस करते हैं इसकी समरी। तो डचेस ऑफ माल्फी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक माल्फी शहर से जो इटली में है, और वहाँ की डचेस जो अभी अभी विडो हुई हैं, मतलब उनके हस्बैंड की मौत हो गई है। तो डचेस का एक मैनेजर है एंटोनियो, जो वहाँ के हाउस होल्ड का मैनेजर है और सब चीज़ें देखता है। डचेस की एक मेड है कैरियोला। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, डचेस से मिलने उसके दो भाई आए होते हैं कोर्ट में, जिनका नाम है फर्डिनेंड और कार्डिनल। तो फर्डिनेंड जो है वो ड्यूक ऑफ कैलेब्रिया है, जो कैलेब्रिया एक शहर है रोम का, वहाँ का ड्यूक है फर्डिनेंड, और कार्डिनल है फर्डिनेंड का भाई। तो डचेस से मिलने आए होते हैं ये दोनों भाई, और डचेस को ये समझाते हैं कि अब तुम दोबारा शादी नहीं करना, रीमैरिज नहीं करना। तो डचेस भी कहती है कि हाँ भाई, अभी मेरा कोई ऐसा प्लान भी नहीं है दोबारा रीमैरिज करने का। लेकिन फर्डिनेंड और कार्डिनल को डचेस पे भरोसा नहीं होता, तो वो एक मर्डरर जिसका नाम बसोला है, जो अभी अभी पनिशमेंट काट के आया है जेल से, उसको डचेस का स्पाई बना के चले जाते हैं। बसोला स्पाई नहीं बनना चाहता, फिर भी उसको मजबूरी में फर्डिनेंड जो ड्यूक है उसकी बात मानने के लिए स्पाई बनना पड़ता है। अब एंटोनियो जो है वो अपने फ्रेंड डेलियो को ये बता रहा होता है कि ये दोनों भाई दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, केयरिंग हैं, लेकिन ये दोनों बहुत करप्ट समझ में आ रहे हैं मेरे को। तो डेलियो भी कहता है हाँ, मेरे को भी ऐसा ही समझ में आ रहा है। अब जब फर्डिनेंड और कार्डिनल रोम के लिए वापस चले जाते हैं, तो डचेस जो है वो अपनी मेड और फ्रेंड कैरियोला से बताती है कि मैं एंटोनियो से मन ही मन प्यार करती हूँ और सीक्रेट में मैरिज करना चाहती हूँ, जिससे मेरे भाइयों को पता ना चल पाए। और डचेस एंटोनियो से सीक्रेटली मैरिज कर लेती है। आफ्टर 9 मंथ्स डचेस प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और इसकी भनक शायद बसोला को लगती है कि ऐसा कुछ है। अब ये कन्फर्म करने के लिए कि डचेस वाकई में प्रेग्नेंट है, बसोला कुछ एप्रिकोट्स डचेस को देता है। एप्रिकोट्स ऐसे फल हैं जो लेवर पेन इंड्यूस्ड करने के लिए जाने जाते हैं। तो जैसे ही डचेस एप्रिकोट्स खाती है तो उसे लेवर पेन होने लगता है, वो बहुत चिल्लाती है। तो सीक्रेट खुल ना जाए इसलिए महल में ये अफवाह फैला दी जाती है कि डचेस बीमार हैं, लेकिन बसोला अभी तक ये सब समझ जाता हो। तो एंटोनियो बसोला से बोलता है, क्या तुमने एप्रिकोट्स में कुछ पॉइजन मिला के दिया था? तो बसोला इस चीज़ से इनकार करता है, और बातों ही बातों में एंटोनियो के हाथ से एक पीस ऑफ पेपर गिर जाता है। जब एंटोनियो वहाँ से चला जाता है, तो बसोला उस पीस ऑफ पेपर को पढ़ता है, जो हॉरोस्कोप होता है बेबी का, भविष्यवाणी। तो ये कंफर्म हो जाता है कि डचेस प्रेग्नेंट है। अब बसोला ये पीस ऑफ लेटर फर्डिनेंड और कार्डिनल को सेंड करता है। अब फर्डिनेंड और कार्डिनल बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे मना करने के बाद भी डचेस ने हम लोगों की बात नहीं मानी और सीक्रेटली किसी से शादी कर ली है। लेकिन दोनों भाई अभी एक्शन नहीं लेते, वो रुकते हैं ये जानने के लिए कि डचेस के बच्चे का बाप कौन है। अब कुछ साल और बीतते हैं और डचेस के दो बच्चे और हो जाते हैं। अब ये खबर बसोला फर्डिनेंड को देता है। तो जो दो भाई हैं फर्डिनेंड और कार्डिनल, उनमें से जो फर्डिनेंड है वो बहुत गुस्सैल है, और जो कार्डिनल है वो कूल माइंडेड है। तो फर्डिनेंड ये खबर सुन के डचेस के पास आता है और उसको एक चाकू देता है और कहता है, तुमको इस चाकू से तुम्हें अपनी जान ले लेनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी इज्जत दे दी है। तो डचेस ये फर्डिनेंड से कहती है कि ऐसा नहीं है, हमने शादी की है और ये जो मेरे बेटे हैं ये जायज़ है। अब डचेस एंटोनियो को फर्डिनेंड और कार्डिनल से बचाने के लिए एंटोनियो पे झूठा इल्ज़ाम लगा देती है कि ये यहाँ पर रह मेरी पोजीशन का इस्तेमाल करके चोरी करता था। अब डचेस बसोला को अपने पास बुलाती है और कहती है कि एंटोनियो इनोसेंट है,
मैं अपने भाइयों से बचाने के लिए उसको ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाया है। और ये भी बताती है कि एंटोनियो से मैंने सीक्रेटली मैरिज कर ली थी और ये तीनों बच्चे उसी के हैं, तो तुम ऐसा करो कि कुछ पैसे ले जाओ और उसको देना और उसको सपोर्ट करना, उसकी लाइफ की रक्षा भी करना। अब बसोला ये पूरा सीक्रेट डचेस का फर्डिनेंड और कार्डिनल को बता देता है। अब फर्डिनेंड ये ऐलान करता है कि डचेस उनके तीनों बच्चे और एंटोनियो को वो बेदखल कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मली था। अब फर्डिनेंड एंटोनियो को अपने पास बुलाता है बातचीत करने के लिए और मैटर सॉल्व करने के लिए, लेकिन एंटोनियो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है, तो एंटोनियो अपने बड़े बेटे के साथ मिलान भाग जाता है। अब फर्डिनेंड बसोला को ऑर्डर करता है कि डचेस को प्रिजनर बना दो माल्फी के ही किले में, और बसोला ऐसा ही करता है। बसोला दूसरा वेश धारण करता है और डचेस को उसकी मेट कैरियोला के साथ कैद खाने में कैद कर देता है। अब फर्डिनेंड डचेस के पास आता है और झूठे हाथ पैर दिखा के डचेस को ये कहता है कि तुम्हारा पति मर चुका है और ये उसके हाथ हैं, ये उसकी डेड बॉडी है, और तुम्हारे बच्चे भी मर चुके हैं, ये उनकी डेड बॉडी है। तो डचेस इस समय तक ये सोचती है कि अब मुझे मरना है, अब मैं नहीं जीना चाहती। और फर्डिनेंड बसोला से कहता है कि इसको और टॉर्चर करो, जितना हो सके उतना टॉर्चर करो। बसोला पास के ही पागलखाने से एक पागल को उन्हीं डचेस और कैरियोला के कैद खाने वाले रूम में छोड़ देता है, जिससे वो दोनों बहुत टॉर्चर होती हैं। अब फर्डिनेंड ऑर्डर करता है बसोला को कि जाओ तुम डचेस को, कैरियोला और उनके बच्चों को मार दो। तो बसोला ऐसा ही करता है, जाता है, उसके बच्चों को मार देता है, डचेस को भी मार देता है और कैरियोला को भी मार देता है। अब जब फर्डिनेंड आता है और डचेस का मरा मुंह देखता है तो उसको थोड़ा अफसोस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपनी बहन को मरवा दिया, और वो निराश होकर चला जाता है। इतने में डचेस थोड़ा उठती है और बसोला उसको बताता है कि तुम्हारा पति अभी भी जिंदा है, और इतना सुनती है और वो ख़त्म हो जाती है। अब इतना सब होने के बाद बसोला को गिल्ट होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब मैं इन दोनों ब्रदर से बदला लूँगा। अब फर्डिनेंड गिल्ट ही गिल्ट में एक डिसीज का शिकार हो जाता है और पागल हो जाता है। एंटोनियो और उसका बड़ा बेटा अभी भी मिलान में है, इस बात से बेखबर कि डचेस के साथ क्या हुआ है, वो अभी भी वहाँ पर हैं। अब कार्डिनल जो है ये सीक्रेट रखना चाहता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट मर्डर में नहीं था। कार्डिनल बसोला से कहता है कि जाओ एंटोनियो का मर्डर करो। कार्डिनल की एक लवर है जूलिया नाम की, तो बसोला सोचता है कि जूलिया की मदद से कार्डिनल के गुनाहों को सबके सामने लाया जाए, और जूलिया कार्डिनल का सच जान जाती है। अब कार्डिनल जूलिया को एक पॉइजन बुक देता है और कहता है इसे किस करो, और जैसे ही जूलिया उस बुक को किस करती है वो ख़त्म हो जाती है। अब बसोला कार्डिनल से कहता है कि मैं तुम्हारा सब काम करूँगा जब यदि तुम मुझे पेमेंट दोगे तो, क्योंकि बसोला अब इन दोनों भाइयों से रिवेंज लेना चाहता था। अब कार्डिनल अपने महल के सभी नौकरों और सेवकों को बुलाता है और कहता है कि आज मेरे रूम के पास मत आना, कितनी भी तुम्हें चीखने या चिल्लाने की आवाज़ आए फिर भी तुम मेरे रूम के पास नहीं आना। सब लोग कहते हैं ठीक है। अब बसोला को शक होता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो चुपके से बात सुनता है और उसको ये समझ में आता है कि ये प्लान कर रहा है मेरे को मारने का। अब इतने में एंटोनियो वहाँ आ जाता है, और एंटोनियो इस उद्देश्य से आता है कि मैं दोनों भाइयों से सुलह करूँगा और इस लड़ाई झगड़े को समाप्त करूँगा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि डचेस मर गई है। तो बसोला रात के अंधेरे में एंटोनियो को पकड़ लेता है और सोचता है कि ये फर्डिनेंड या कार्डिनल में से कोई एक है, और उसे चाकू मार देता है। और जब वो देखता है कि ये एंटोनियो है तो बहुत पछताता है और एंटोनियो को ये बात बताता है कि डचेस को इन दोनों भाइयों ने मार दिया है। तो एंटोनियो कहता है कि मैं जीना नहीं चाहता, मरना चाहता हूँ, और वो मर जाता है। अब बसोला बहुत गुस्से में जाता है कार्डिनल के रूम में, और जैसे ही कार्डिनल देखता है बसोला के हाथ में खंजर तो बहुत चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई उसके रूम के पास नहीं आता, क्योंकि उसने खुद मना किया होता है कि मेरे रूम के पास नहीं आना। अब बसोला कार्डिनल को दो चाकू मारता है, और इतने में फर्डिनेंड उसके रूम में आ जाता है। फर्डिनेंड कार्डिनल और बसोला को देखता है तो वो सोचता है ये दोनों डेविल हैं,
और दोनों को खंजर से मारता है। अब बसोला फर्डिनेंड का खंजर छीन के उसे भी मार देता है। अब तीनों फर्डिनेंड, कार्डिनल और बसोला तीनों मरने लगते हैं और बसोला कहता है कि ये सब हमारे कर्मों का नतीजा है, जो हम लोगों ने गलत किया है उसकी सज़ा हम लोगों को मिल रही है। और फर्डिनेंड, कार्डिनल, बसोला तीनों मर जाते हैं। अब यहाँ सिर्फ बचता है डेलियो, जो एंटोनियो का फ्रेंड है। डेलियो का बड़ा बेटा भी जिंदा है, तो अब डेलियो एंटोनियो के बड़े बेटे को वहाँ का राजा बना देता है। और यहाँ पे प्ले एंड होता है। तो ये थी स्टोरी डचेस ऑफ माल्फी, जो एक ट्रेजेडी है उसकी। होप आपको समझ में आई होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट हैं और शायद आ सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच क्रुएल्टी डज फर्डिनेंड नॉट कमिट अगेंस्ट द डचेस? Give her a dead man's hand and tell her it is Antonio's. Have fake corpses of her family made and sewn to her. Kill Antonio. Surround her prison with lunatics. तो इसमें फर्डिनेंड पहला भी करता है, उसको डेड मैन का हैंड देता है और कहता है एंटोनियो का है। फैमिली मेंबर के कॉप्स भी दिखाता है कि ये उसके बच्चों की डेड बॉडी है, और उसके प्रिजन में लूनेटिक्स मतलब पागल लोगों को भी भेजता है। लेकिन सिर्फ वो एक क्रुएल्टी नहीं कर पाता, और वो है किल एंटोनियो, क्योंकि उसके पहले वो खुद पागल हो चुका होता है। सो द करेक्ट आंसर इज किल एंटोनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज आई कुड किल हर नाउ इन यू और इन माई सेल्फ, फॉर आई डू थिंक इट हैज सम सिन इन अस हैवंट डॉथ रिवेंज बाय हर। द कार्डिनल, फर्डिनेंड, एंटोनियो, बसोला। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये लाइन किसने कही, तो हमें पता होने चाहिए किसने कहा था। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्डिनेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्यूजेस एज एन ओल्ड मैन बियरिंग मेकअप, फर्डिनेंड, बसोला, द डचेस और डेलियो। तो जब डचेस के पास आता है उसको मर्डर करने के लिए, तो वो कौन होता है जिसने ओल्ड मैन का मेकअप किया होता है? और वो है बसोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बसोला कंप्लेन अबाउट व्हेन ही फर्स्ट एंटर्स इन द प्ले? द कार्डिनल नॉट रिवार्डिंग हिम फॉर हिज सर्विसेज, एंटोनियो ट्रीटिंग हिम एज एन इन्फीरियर, फर्डिनेंड नॉट ट्रस्टिंग हिम, हिज वाइफ कक्होल्डिंग हिम। तो जब बसोला सबसे पहली बार प्ले में आता है, तो वो डचेस से कहता है कि मुझे नौकरी में रख लो, क्योंकि द कार्डिनल नॉट रिवार्डिंग हिम फॉर हिज सर्विस। सो द राइट आंसर इज द कार्डिनल नॉट रिवार्डिंग हिम फॉर हिज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंटोनियोस जॉब एट द डचेस पैलेस? लॉयर, डॉक्टर, मैनेजर और हॉर्स मैनेजर। एंड द करेक्ट आंसर इज मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेस द डचेस टू गो इनटू लेबर? पॉइजन, स्ट्रेस, अ विच स्पेल, एप्रिकॉट्स। एंड द करेक्ट आंसर इज डचेस को लेवर पेन तब हुआ था जब बसोला ने उसको एप्रिकोट्स खाने के लिए दिए थे। सो द करेक्ट आंसर इज एप्रिकोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स डज नॉट डाई इन द प्ले? बसोला, डेलियो, द कार्डिनल, कैरियोला। एंड द करेक्ट आंसर इज डेलियो, जो एंटोनियो का फ्रेंड था, वो बस बचता है प्ले में, और एंटोनियो का बड़ा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डचेस ऑफ द टाइटल किक्स ऑफ द एक्शन ऑफ मैरिंग एंटोनियो अ कॉमनर, बट वाई एग्जैक्टली इज दिस मेजर इंसाइटिंग इंसिडेंट अगेन? हर ब्रदर्स हैव फॉरबिडन हर रीमैरिज, सी इज टू यंग टू मैरी, सी इज करेंटली मैरिड, द कॉमनर इज अ विलन वेटिंग टू बिट्रे हर। तो एंटोनियो से शादी करना ये इंसाइटिंग इंसिडेंट क्यों था? क्योंकि उसके भाइयों ने रीमैरिज के लिए मना किया था। सो द करेक्ट आंसर इज हर ब्रदर हैव फॉरबिडन हर रीमैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डचेस मैरिज इज डिस्कवर्ड बाय विच मैन हु पिक्स अप अ लेटर ड्रॉप अदरवाइज ऑक्यूपाइड एंटोनियो एंड लेटर हियर्स फ्रॉम द डचेस हु द गिल्टी हस्बैंड इज? बसोला, रोड्रिगो, डेलियो, कैरियोला। एंड द करेक्ट आंसर इज बसोला। बसोला को वो हॉरोस्कोप वाला लेटर मिल जाता है जो एंटोनियो के हाथ से गिर जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि एंटोनियो उसका पति है, और ये भी पता चल जाता है कि डचेस प्रेग्नेंट है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।